जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एलओसी के पास गोलाबारी होने से जेसीओ के शहीद होने का समाचार प्राप्त हुआ है। समाचार मिलने तक दोनों तरफ से गोलाबारी जारी थी। बीते रविवार को भी राजौरी के नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान की गोलाबारी में जेसीओ शहीद हो गया था। जिला राजौरी के कैरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर सेना ने कुछ संदिग्ध गतिविधि देखी, जिसके तुरंत बाद सीमा पार से पाकिस्तान ने गोलाबारी शुरू कर दी थी। देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए होशियारपुर का वीर सपूत जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी सैनिकों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। पाकिस्तान द्वारा की जा रही गोलाबारी के दौरान मुकेरिया के अधीन पड़ते गांव कलेजपुर कलोता के जेसीओ सूबेदार राजेश कुमार शहीद हो गए। शहीद का समाचार सुनते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। शहीद अपने पीछे अपने बुजुर्ग माता पिता पत्नी और दो छोटे बच्चों को छोड़ गया है। परिवार और गांव के लोग अपने वीर सपूत की बहादुरी पर गर्व महसूस कर रहे हैं। परिवार ने बताया कि कल 3 सितम्बर को शहीद का पार्थिव शरीर उसके पैतृक गाँव कलेजपुर पहुँचेगा, जहाँ राष्ट्रीय सम्मान के साथ शहीद राजेश कुमार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। गौरतलब है कि शहीद राजेश कुमार के पिता भी भारतीय सेना रहते हुए देश सेवा कर चुके हैं। परशोत्तम सिंह लंबरदार, इसी में पिंड का लंबरदार है गाया। अज सवेरी फोन आया है रामचंद, जो कि आप सर्विस एक्सर्विसमैन है, इसका बेटा राजेश कुमार सूबेदार जिहड़ा कि राजौरी पोस्टिंग ते है, अज ही फोन आया भी उसकी इस तरह देश की खातर वो शहीद हो गया है। पूरे परिवार को पूरे इलाके हर इंसान ने मरना है गाया, पर यह खुशी की गल है कि देश की खातर शहीद होया। सानू अपने राजेश कुमार से माण है। 1 साल की नौकरी दी राजेश कुमार दी हो गई है और बड़ी थोड़ी उम्र के नचे रैंक प्राप्त कर ले आ। और सूबेदार इस टाइम सूबेदार से सुनने में आया भी थोड़े चेर बाद सूबेदार मेजर बन जाना सी। फैमिली के माता पिता है, 3 दिन भैन आ, 3 शादीशुदा है, 2 बच्चे है, 1 बेटी है, 1 बेटा है। दोनों बच्चे विक्टोरिया इंटरनेशनल स्कूल मकीरियाँ पढ़ते है। फैमिली के पिता जी भी एक सर्विसमैन है, पेंशन लेंदे है। बाकी चलो बच्चे ने जो देश की खातर शहीद होया, असी सानू ये पूरा माण है। बाकी उस परमात्मा दे जिन पाई है उन्होंने जिठनी हैगी है। फॉरन मिलिट्रीज कर रहे हैं, उन्होंने टाइम टू टाइम कॉन्टैक्ट हो रहा है, शायद कल तक सवेर तक उन्होंने डेड बॉडी साढ़े पिंड पहुँच जाएगी। पिंड कलीजपुर कलोते दे सूबेदार राजेश कुमार जी जेडे अपने देश की राखी करते हुए सरहद पर शहीदी का जाम पी गए हैं। असी अज उन्होंने पिंड उन्होंने परिवारक मैंबर नाल मिल के आए हैं। बहुत गर्व महसूस किया प्यो ने कि मैं भी आर्मी की सेवा की और मेरा बेटा भी जोड़ा देश की सेवा करता हुआ शहाद का जाम पी गया। रोज़ नित एक दो घटनावान पंजाब पंजाब के जवान जोड़े पुत है वो शहादत दे रहे ने। इतने अज सारे संसार पद्धर से सानू कुछ ना कुछ अहद करना पैना, कोई ना कोई तगड़े फैसले लेने पैने हैं कि जी नित की लड़ाई है इनू असी किस तरह के नाल खत्म करना है। सो सानू भी सारे हल्के माण है ठाकर राजेश जी के उपर कि जिन्हें अपने इलाके का जोड़ा नाम रोशन किया है, अपने परिवार का जोड़ा नाम रोशन किया है, ते देश की रक्षा करते हुए शहादत जाम दिता है। द स्टेलर न्यूज़ के लिए राजौरी से अनिल भारद्वाज की रिपोर्ट। GNA University is an inspirational experience. The experience of a global education, discovering boundless opportunities, realizing unlimited potential. Come, experience finding the real you.